नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का कार्यक्रम होगा, उसके बारे में जानकारी दी गई। आपको बता चले 26 अगस्त सोमवार के भजन प्रस्तुति महिला मंडल द्वारा 5 से 7 बजे तक, और गणेश पूजन शाम के 7 बजे, बाल झांकी पुरस्कार वितरण 7:30 से 9:30 बजे तक, और भजन प्रस्तुति अभिजीत सक्सेना कासगंज से आ रहे हैं 9:15 से कृष्ण जन्म तक कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें बाल झांकियों में भाग लेने वाले बच्चे हैं, जिसमें 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के, 6 से 10 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाएं अपना प्रतिभा दिखाएंगे। देखिए खबर। कहाँ एक मंदिर कहाँ पे? मंदिर संकट मोचन हनुमान मंदिर महानगर का मंदिर। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो क्या प्रोग्राम है आज का? आज कृष्ण जन्माष्टमी है, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है यहाँ। अच्छा, सहयोग भजन प्रस्तुति है महिला मंडल द्वारा, शाम को 5 बजे से गणेश पूजन होगा, फिर दीप प्रज्वलन होगा। अच्छा। बालकों की झांकियाँ निकलेंगे, छोटे छोटे बच्चे कृष्ण राधा बन के आएंगे, उसके बाद अपना संगीत में भजन कीर्तन होगा। अभिजीत सक्सेना जी आ रहे हैं, कासगंज से पार्टी आ गई है, यहाँ कीर्तन भजन मंडली होगी। तो आज ही का कार्यक्रम है या फिर और भी एक? आज ही का कार्यक्रम है, 12 बजे तक होगा, 12 बजे गणेश जी का जन्म और कीर्तन होगा। क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार शर्मा। कहाँ पे स्थान है ये? ये महानगर कॉलोनी। तो ये क्या कार्यक्रम चल रहा है संकट मोचन हनुमान मंदिर पे आज? इस समय जन्माष्टमी का जो है भव्य आयोजन चल रहा है जी, हर बार की तरह इस बार भी जो बड़ा भव्य कार्यक्रम महानगर श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति की तरफ से कार्यक्रम चल रहा है। कुछ नया होगा आपकी बार? इसमें नया क्या, बच्चों के लिए एक तो जितने भी वो हैं हमारे बाल झांकी और इसमें कार्यक्रम में झांकियों का जी, और बाकी जितनी भी जो है मंदिर के जो है महिला मंडल द्वारा जो है कीर्तन है, गणेश पूजन और दीप प्रज्वलित है, बाल झांकी और हमारे दूसरे भजन प्रस्तुति श्री अभिजीत सक्सेना कासगंज द्वारा जो है करा जा रहा है। कोई संदेश बरेलीवासी के लिए? तो हम तो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिर से जुड़े, आगे अपने कार्यक्रम की जो है शुरुआत करें। सर नाम जानना चाहेंगे आप? ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा जी। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है कृष्ण जन्माष्टमी का, तो ये क्या क्या प्रोग्राम है आज का और ये कहाँ पे हो रहा है? ये श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पे हो रहा है जी। इसमें आज जो है भजन प्रस्तुति है महिला मंडल द्वारा जी, उसके बाद हम लोग गणेश पूजा करके और दीप प्रज्वलन करके सरस्वती माता की पूजा करके बाल झांकी का मुख्य प्रोग्राम रहेगा जी, और उसके बाद उस बच्चों को जो पुरस्कार दिए जाएंगे, और बाल झांकी में बच्चों द्वारा भजन, रामायण की चौपाई या कोई भी धार्मिक प्रवचन या वो दे सकते हैं, और तदुपरांत एक भजन प्रस्तुति है, हमारे जो गायक कलाकार हैं वो आ रहे हैं अभिजीत सक्सेना कासगंज से, उनके द्वारा पूरा प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद जन्मोत्सव का प्रोग्राम रहेगा, प्रसाद वितरण होगा, आज का मुख्य कार्यक्रम यही है। तो इसमें हमारी पूरी टीम जो है लगी हुई है, आप लोग देख रहे हैं बैठे, सब लोग यही बैठे हुए हैं। अच्छा, टीम में कौन कौन लोग हैं? हमारे महामंत्री जी हैं जी, श्री जयसिंह चौहान जी हैं, कोषाध्यक्ष श्री अजय शर्मा जी हैं जी, उपाध्यक्ष श्री रविंद्र बंसल जी हैं, सचिव महोदय श्री विवेक सक्सेना जी हैं, मीडिया प्रभारी श्री सुधीर उपाध्याय जी हैं, जो लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी हम लोगों की 14 लोगों की कार्यकारिणी है, 10 करीब 16 लोग और हैं जो स्पेशल मेंबर्स हैं, जिनको हमें जल्दी ही कार्यकारिणी में लेना भी है जी। तो बरेली के लिए कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कोई संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश के लिए तो हमारे महामंत्री संदेश देंगे तो अच्छा रहेगा। संदेश तो यही है, सब लोग मिलजुल के रहें जी, भाईचारा बनाए रखें, धर्म के प्रति जागरूक रहें जी, मंदिर में और मंदिर में तन मन धन से सहयोग करें। ठीक। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय सिंह चौहान जी, महामंत्री श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति जी, महानगर टाउन से बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर कृष्ण जन्माष्टमी है तो?
जन्माष्टमी के बारे में देखिए, हम लोगों को जो है मिलजुल के इस प्रोग्राम को मनाना चाहिए जी। हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है इस देश का। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन जन्म लिया था, तो उनके जन्मोत्सव को हम लोगों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। अपने जो छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को इसकी ज्ञान देना चाहिए कि भाई जन्माष्टमी हम लोग क्यों मनाते हैं, जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण जी का क्यों मनाते हैं, भगवान जी ने हमारे क्या क्या उपदेश दिए। हम लोगों को उनके उपदेशों को अपने जीवन में किस तरह से लेना चाहिए, हम तो यही देखिए। ठीक, क्या नाम है सर आपका? प्रोफेसर रविंद्र बंसल। तो क्या कहना चाहेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में? जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास का पर्व है जी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिवस है जी। और भारत ही नहीं, संसार के अनेक स्थानों पर ये मनाया जाता है। और हम अपने महानगर में संकट मोचन हनुमान मंदिर में ये हर्षोल्लास से मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं जी। जिसमें हमारे छोटे बच्चे अपनी झांकियां प्रस्तुत करेंगे और इसके साथ ही साथ हम सब लोग लगे हुए हैं तरह तरह के कार्यक्रम करने के लिए। और हम ये कहते हैं इसमें अधिक से अधिक लोग, हमारे महानगर के लोग भी, बाहर के लोग भी आएंगे और हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। तो ये हर साल प्रोग्राम किया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी का? हाँ, हर साल कार्यक्रम किया जाता है। इस बार हमने और इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास किया जी। बाकी हमारी जनता सहयोग देगी तो हम और अच्छा कार्यक्रम, बाहर से भी टीम बुला रहे हैं जी। और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहेंगे। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मैं सुधीर उपाध्याय जी, और महानगर में निवास करता हूँ जी। तो ये जो कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम किया जा रहा है महानगर के अंदर कॉलोनी में, तो क्या कहना चाहेंगे जी? इस बार कुछ विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित करने का कार्यक्रम बना है जी। और उसके अंतर्गत बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं हो रही हैं जी, उनको प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन एक मुझे तकलीफ है जी, वो ये है कि मंदिर मार्ग की जो सड़कें हैं, अगर आप देखेंगे तो पैदल चलना बुजुर्गों के लिए कठिन है। गड्ढे हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, उनकी मरम्मत के लिए भी कुछ प्रयास अगर किए जाते तो और अच्छा होता। तो क्या कहने चाहेंगे नगर निगम के, मतलब ये महानगर कॉलोनी हमारी धौलरा माफी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है सर, नगर निगम में है नहीं जी। इसलिए यहाँ की सड़कों की हालत भी देखने लायक ही है जी। तो कुछ कहना व्यर्थ है। वैसे यहाँ RWA भी है जी, लेकिन RWA क्या कर रही है? ये सड़कें मंदिर मार्ग ही बता रहे हैं, भगवान के घर के सामने की सड़कें भी टूटी फूटी हैं। तो क्या मतलब सही होनी चाहिए? सही होनी चाहिए, मेरा तो बराबर यही प्रयास रहा है और मैं इस मुद्दे को उठाता भी रहा हूँ, लेकिन मैं नाकामयाबी अपनी मानता हूँ।